हेलो गाइस, दिस इज सोहन सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्टर एवरीडे सोहन सिंह। दिस इज द नेम ऑफ माय यूट्यूब चैनल एज यू नो दैट। आई एम हियर टुडे विथ अ न्यू टॉपिक फ्रॉम ग्रामर आर्टिकल्स। इन दिस टॉपिक वी विल डिस्कस व्हाट इज आर्टिकल एंड व्हाट आर द काइंड्स ऑफ द आर्टिकल्स एंड हाउ यू प्रोनाउंस द आर्टिकल ए एंड द, स्पेशली द एंड दी। दिस प्रोनाउंसिएशन हाउ वी प्रोनाउंस आई विल टेल यू and what are the use of these all three articles A and D and how we use them. Along with that, I will discuss where we not use the articles. So, dear viewers, before going ahead in my channel, I request you all please subscribe my channel and press the bell icon for getting more notification related to my upcoming video. So, let's start. आर्टिकल्स जिसे हिंदी में जो है अग्र शब्द भी कहा जाता है, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं कि आर्टिकल्स किसे कहते हैं, इसके डेफिनेशन की ओर बढ़ते हैं। तो आपको दिख रहा होगा वर्ड्स यूज्ड बिफोर नाउन एंड दे मॉडिफाई नाउन्स। तो यहाँ पर एक स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है बिफोर में, मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ। ये एक्चुअली डब्ल्यू नहीं ई है, ठीक है, तो माइंड मत करना। तो आर्टिकल्स ऐसे वर्ड्स हैं जो नाउन से पहले यूज होते हैं, इसलिए इनको अग्र शब्द भी कहा गया है। अग्र मतलब पहले लगने वाले, किसके, नाउन के, और नाउन को ही मॉडिफाई करता है कौन, आर्टिकल्स। और एक बात और ध्यान में रखिएगा, जो आर्टिकल्स हैं वो जो है एडजेक्टिव की तरह कार्य करते हैं, इट फंक्शंस लाइक एडजेक्टिव, ओके। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, ठीक है। तो आर्टिकल समझ में आ गया, अग्र शब्द। अब इसके टाइप्स की बात करते हैं, दो प्रकार के होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल एक ही है दी, और इनडेफिनेट आर्टिकल है ए और एन। अब इसके बाद बात करेंगे हम, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर जो ये चार्ट है, यहाँ पर मैंने कुछ सेंटेंस लिखे हैं ताकि मैं आपको बता सकूं कि जो ये ए, एन और दी जो ये तीन आर्टिकल्स हैं, इनका हम उच्चारण कैसे करें। जैसे पहले दिखेगा दिस इज अ पेन, आपको दिख रहा होगा दिस इज अ पेन। तो यहाँ पर मैं आपको बता दी कि कुछ स्टूडेंट्स इसको गलत पढ़ते हैं, दिस इज अ पेन नहीं कहकर दिस इज ए पेन कहते हैं, दिस इज अ ए पेन। एक्चुअली ये रॉन्ग है, क्योंकि जो ए आता है इंग्लिश का जो लेटर है ए, इसको हमेशा अ प्रोनाउंस किया जाता है, ठीक है ना, इसका उच्चारण हमेशा अ होता है ना कि ए। तो इसलिए हमें कभी भी दिस इज अ पेन कहेंगे ना कि दिस इज अ पेन, ओके। तो दिस इज अ पेन, दैट इज अ बाइक, इस तरह से। अब इसके बाद देखिए द बॉय, द पेन, द ईयर, द ईयर, द ऑनेस्ट लिखा है, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए फर्स्ट थ्री सेंटेंस, फर्स्ट थ्री में देखिए द का यूज किया है हिंदी में, देखिए, और लास्ट दो में जो है दी लिखा है। तो यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि जो ये द है टी एच ई, इसको हम कहीं पे द प्रोनाउंस करते हैं, कहीं पे दी करते हैं। तो जो ये कॉन्सेप्ट है ये हम आपका क्लियर कर देता हूं, क्योंकि कई दफे हमें पता नहीं रहता है। तो जहां पर भी कॉन्सोनेंट साउंड आएगा वहां पर हम द कहेंगे, ठीक है ना, किसके बाद कॉन्सोनेंट साउंड, दी के बाद। और यदि दी के बाद यानी कि द के बाद वोवल साउंड आएगा तो हम इसका प्रोनंसिएशन दी करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं पहले वाले में द बॉय लिखा है, द के बाद जो है बी जो है वोवल साउंड, सॉरी कॉन्सोनेंट साउंड है, बॉय, ब आ रहा है, ठीक है ना, तो हमने द बॉय बोला। अब लास्ट में देखिए द ऑनेस्ट लिखा है ना, लेकिन हमने इसको प्रोनंस क्या किया, दी ऑनेस्ट, क्योंकि द के बाद जो है एच साइलेंट हो जाएगा और ओ का प्रोनंसिएशन आएगा तो वोवल साउंड आएगा, तो वोवल साउंड आएगा तो दी कहेंगे, द नहीं कहेंगे उच्चारण, ठीक है। इसी तरह से उसके ऊपर देखिए दी ईयर, द के बाद जो है ई आ रहा है, वो प्रोनंसिएशन जो है छोटी ई है, वोवल है, स्वर, तो इसलिए दी ईयर आएगा, ठीक है। और ऊपर देखिए द ईयर, क्योंकि व्यंजन साउंड है कॉन्सोनेंट, द पेन कॉन्सोनेंट साउंड है, ठीक है। अब इसके बाद बात करेंगे इनडेफिनेट आर्टिकल। तो इनडेफिनेट आर्टिकल दो हैं, ए और एन। और अब जो इनडेफिनेट आर्टिकल हैं ये है क्या, इसमें देखिए इट जनरली डज नॉट पॉइंट्स आउट अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। कहने का मतलब है जो इनडेफिनेट आर्टिकल है
प्रायः किसी ऐसे व्यक्ति, वस्तु या स्थान के साथ इसका यूज होता है जिसके बारे में पहले से कोई जानकारी ना हो, यानी कि अननोन। ये समझ में आ गया। अब ये तो पता चल गया कि जो इनडेफिनेट आर्टिकल है उसका यूज हम ऐसे व्यक्ति, स्थान या वस्तु के साथ करें जिसके बारे में कोई जानकारी ना हो, लेकिन कहाँ पे एन यूज करेंगे और कहाँ पे अ यूज करेंगे, अब ये कन्फ्यूजन है। तो इसको दूर करने के लिए आपको ये चार्ट दिखा रहा हूँ मैं। इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों के वोवल और कॉन्सोनेंट हैं, और आमतौर पर हमें बताया जाता है कि जो इंग्लिश के वोवल हैं 5 ए ई आई ओ यू, उन्हें याद कर लो, उनके साथ हमेशा आपको एन का यूज करना है, बाकी के साथ अ का यूज करना है। लेकिन ये पूरी तरीके से सही नहीं है। आपको हमेशा जो हिंदी के वोवल और कॉन्सोनेंट साउंड है उनको याद करना चाहिए, क्योंकि हिंदी के जो वोवल साउंड है अ से लेकर के अह तक, उसके साथ हमेशा एन का यूज होगा, और जो कॉन्सोनेंट साउंड है क से ज्ञ तक, उसके साथ हमेशा उन अ का यूज होगा, ठीक है ना। यानी कि ऐसे वर्ड्स जिनके साथ अ से अह तक के उच्चारण वाले शब्द आएंगे तो उससे पहले हम जो है एन का यूज करेंगे। इज इट क्लियर? एग्जाम्पल से आपके समझ में आ जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एन क्या है, एन का यूज, ठीक है ना। तो एन का यूज जैसा कि मैं बता ही रहा था, इसमें लिखा है इफ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विद वोवल साउंड, यदि अगला जो शब्द है किसके साथ शुरू होगा, वोवल साउंड के साथ। देखिए वोवल साउंड लिखा है, लेटर नहीं लिखा है, ठीक है ना। तो वोवल साउंड के साथ शुरू होगा तो एन का यूज हम करेंगे। वोवल साउंड कहने का मतलब है कि जो ये अ से अह तक है, ना कि ए ई आई ओ यू, ठीक है ना। आपको ये याद रखना है अ से अह तक का, ठीक है। तो और एन का यूज कहा होंगे इफ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट विद अ कॉन्सोनेंट साउंड, जब अगला शब्द जो है व्यंजन साउंड के साथ शुरू होगा तो हम अ का यूज करेंगे। इसमें आपको ये वाले कॉन्सोनेंट का उच्चारण ध्यान में रखना है, ठीक है। अब एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल है यहाँ पे, पहला एग्जाम्पल है एन ईयर। ई है तो सही वोवल इंग्लिश में, लेकिन इसका जो उच्चारण होगा वो क्या होगा, ईयर, छोटी ई से आएगा, ठीक है ना। वैसे ही अ ईयर। अब जो इसका साउंड है वो जो है य से आता है, ईयर। तो जो है इसका जो साउंड आएगा वो जो है कॉन्सोनेंट है य, तो य से होने के कारण जो है इसमें जो है अ का यूज किया गया है, ना कि इसका एन का। वैसे ही एन ऑनेस्ट, एच साइलेंट हो जाएगा तो ऑनेस्ट, अ का साउंड आ रहा है, ठीक है। अ पेन, इसमें अ का साउंड आ रहा है जो कि व्यंजन है, ठीक है ना। और वैसे ही अ यूनिवर्सिटी, य का साउंड आ रहा है, अ यूनिवर्सिटी, य का साउंड आ रहा है, यू जो इसमें है इसलिए जो है अ का यूज किया है। एन एम एल ए, अब यहाँ पर है तो एम कॉन्सोनेंट, लेकिन एम को यदि आप हिंदी में लिखेंगे तो ए आएगा, छोटी ए। तो वो जो है मैंने आपको बताया था ना, हिंदी वोवल आपको याद, हिंदी स्वर याद रखें, तो इसीलिए एन का यूज यहाँ पर किया गया है। अ यूनियन, इसमें भी य आ रहा है तो अ आएगा, हालांकि यू है उसमें, ठीक है ना, लेकिन जो उच्चारण है, जो साउंड है, वो य आ रहा है। और वैसे ही एन ऑरेंज, यहाँ पर ओ भी है और ओ आ रहा है, ऑरेंज, ठीक है ना, स्वर आ रहा है साउंड में भी, तो इस हम यहाँ पर एन का यूज करेंगे। ये समझ में आ गया, ठीक है। तो ये तो हो गए एग्जाम्पल्स। अब बात करेंगे हम डेफिनेट आर्टिकल डी के बारे में। तो जो डेफिनेट आर्टिकल डी है, ये एक ही होता है डेफिनेट आर्टिकल, इट जनरली पॉइंट्स आउट अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी कि ये जो है किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान जिसके बारे में हमें पहले से जानकारी हो, पर्टिकुलर, जिसके बारे में पहले से जानकारी हो, उसके बारे में बताता है, ठीक है ना, वहां पर हम डी का यूज करेंगे। ये समझ में आ गया। अब यूज ऑफ डी, अब डी का जो यूज है वो हम कहाँ कहाँ पे करते हैं उसके बारे में हम जान लेते हैं। ए और एन का यूज तो हमने जान लिया, अब डी का यूज हम जान लेते हैं। पहला यूज है डी का विथ
यूनिक पीपल एंड ऑब्जेक्ट्स, जैसे द सन, द प्रेजिडेंट, द अर्थ, द वर्ल्ड। अब यहां पर देखिए, ये सभी यूनिक है। सन एक ही है ना, प्रेसिडेंट किसी भी देश का एक ही होता है, राष्ट्रपति, द अर्थ एक ही है, और द वर्ल्ड संसार भी एक ही होता है, ठीक है ना। तो जो एक ही है, यूनिक है, उनके साथ हमेशा, उनसे पहले हम दी का यूज करेंगे, आर्टिकल दी का। अब दूसरा यूज देखिए, विथ एडजेक्टिव्स रेफरिंग टू होल ग्रुप ऑफ पीपल। तो देखिए, ऐसे एडजेक्टिव्स के साथ हम जो है दी का यूज करेंगे जो किसी समुदाय के व्यक्तियों को जो है रिफर करें, जैसे द ओल्ड, सारे जो है ओल्ड्स को जो है रिफर करेगा, द यंग, द पुअर, द रिच, जैसे द पुअर सारे जो है पुअर्स को जो है एड्रेस कर रहा है, वैसे ही द रिच सभी रिच लोगों को जो है एड्रेस करेगा। इज इट क्लियर? किसी एक पर्टिकुलर रिच अंबानी को तो या टाटा को एड्रेस तो नहीं कर, जितने भी अमीर हैं सारे, ठीक है। तो ऐसे एडजेक्टिव्स जो पूरे समुदाय को एड्रेस करें, उनके साथ हम दी का यूज करते हैं। और यहाँ पर देख ले, ओल्ड, पुअर, यंग, ये सभी जो है चार के चार एडजेक्टिव्स हैं। अब अगला यूज है विथ सुपरलेटिव डिग्रीज ऑफ एन एडजेक्टिव। देखिए, जो डिग्री होती है वो एडजेक्टिव की ही होती है, ठीक है ना। तो एडजेक्टिव की जो सुपरलेटिव डिग्री होती है उसके आगे भी हमेशा हम डी का यूज करते हैं, जैसे द ओल्डेस्ट, द यंगेस्ट, द हाईएस्ट, द लोएस्ट, द फास्टेस्ट, द नियरेस्ट, ठीक है। तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ भी हमेशा डी का यूज किया जाता है। अब इसके अलावा जो फेमस बिल्डिंग्स हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, और जो म्यूजियम्स हैं, उनके साथ भी हम जो है डी का यूज करते हैं, जैसे द ताजमहल फेमस मॉन्यूमेंट है, द लाल किला, द कुतुब मीनार, द सालार जंग म्यूजियम फेमस म्यूजियम है, ठीक है ना। अब अगला यूज देखिए, विथ ऑर्डिनल नंबर्स। ऑर्डिनल नंबर के साथ भी हम डी का यूज करते हैं, जैसे द लास्ट चैप्टर, द सेकेंड मेंबर, द फर्स्ट टाइम, ये जो ऑर्डिनल नंबर है, फर्स्ट, सेकेंड, लास्ट, ठीक है। तो उनसे पहले भी हम डी का यूज करेंगे। अब इसके बाद हम बात करेंगे विथ दोज कंट्रीज, या फिर विथ कंट्रीज द नेम्स विच इंक्लूड किंगडम, स्टेट्स और रिपब्लिक। ऐसे देखो, वैसे कंट्रीज के साथ हम डी का यूज नहीं करते, लेकिन एक्सेप्शन है, जिन देशों में किंगडम, स्टेट्स और रिपब्लिक लगा होगा उनके साथ हम डी का यूज कर सकते हैं, जैसे द यूनाइटेड स्टेट, द यूनाइटेड किंगडम, द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। इन तीनों देशों में जो है, इन तीनों में आप देख सकते हैं स्टेट्स, किंगडम और रिपब्लिक लगा हुआ है, तो वहां पर उन देशों में हम के आगे हम जो है डी का यूज कर सकते हैं। अब बात करेंगे हम विथ रिवर्स, कैनल्स एंड ओशंस के साथ भी हम डी का यूज करते हैं, जैसे रिवर्स में द गंगा, द सरयू, द यमुना, है ना, वैसी ओशंस में द पैसिफिक, द इंडियन ओशन, है ना, और कैनल में द इंदिरा कैनल। तो इनके आगे हम डी का यूज करते हैं। अब अगला यूज है विद द नेम्स ऑफ द फैमिलीज, ऐसे वर्ड्स जो फैमिलीज को जो है एड्रेस करें, उनके नाम के आगे भी हम डी का यूज करते हैं, जैसे द अंबानीज, फैमिलीज है अंबानी की, ठीक है ना, दरानाज, द बोराज, द टाटाज, द बिरलाज, है ना। तो ऐसे फैमिलीज को जो वर्ड्स एड्रेस करते हैं वो जो इनके आगे भी हम डी का यूज कर सकते हैं। अब बात करेंगे हम डी का कुछ और खास यूज। देखिए, ऊपर लिखा है बिफोर द वर्ड होल। देखिए, जब कभी भी कहीं पे होल वर्ड यूज होगा तो उससे पहले हमेशा डी का यूज होगा, बाद में नहीं, पहले, ठीक है, ये ध्यान में रखना। एंड आफ्टर द वर्ड ऑल, और जो ऑल वर्ड है उसके बाद भी हमेशा डी का यूज होता है। एग्जाम्पल में देखिए, ऑल द बुक्स आर हेयर, देखिए ऑल से पहले यूज होगा ना, सॉरी ऑल के बाद, देखिए ऑल द बुक्स लिखा है, और होल से पहले आई विजिटेड द होल वर्ल्ड, द होल वर्ल्ड, देखिए, ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब देखिए, डी का एक और यूज है, देखिए जो ओनली वर्ड होता है उसके साथ भी हम डी का यूज करते हैं, लेकिन केवल तब यूज होगा
जब ओनली का मतलब क्या होगा वहां पर? इकलौता होगा। जैसे एग्जाम्पल में द ओनली सन, द ओनली फ्रेंड, द ओनली बैट्समैन, द ओनली पर्सन, ठीक है। तो ये तो हो गया दी का यूज विथ बिफोर आफ्टर एंड ओनली के साथ। अब हम बात करेंगे ऐसे वर्ड्स जहां पर हम द का यूज नहीं करेंगे। देखिए दी का यूज जो है सबसे पहले किसी भी डिजीज के आगे नहीं आएगा। कोई भी बीमारी होगी डिजीज, बिफोर द नेम ऑफ द डिजीज, उसके आगे हम कभी दी का यूज नहीं करेंगे। लैंग्वेज के आगे भी कभी भी दी का यूज नहीं होगा। जैसे हम द हिंदी तो नहीं बोलते, द इंग्लिश तो नहीं बोलते ना, तो लैंग्वेज के आगे द नहीं लगता है। प्रॉपर नाउन के आगे भी नहीं लगता है। जैसे प्रॉपर नाउन किसी का नाम हो गया, ठीक है, जैसे किसी का नाम शरद है, द शरद तो हम नहीं कह सकते हैं क्योंकि उसके आगे दी का यूज नहीं होगा। अब कंट्री जो देश है उसके आगे भी द का यूज नहीं होगा। ये मैंने अभी बताया था कि एक्सेप्शंस हैं, जैसे स्टेट्स, किंगडम, रिपब्लिक के आगे लग सकता है जिनमें ये वर्ड्स आएंगे, बाकी किसी भी कंट्री के आगे दी का यूज नहीं होगा। जैसे द इंडिया हम नहीं कह सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो द है आर्टिकल, इसका जो यूज है वो जो है ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, जो हम तीनों वक्त करते हैं, इनके आगे भी जो है दी का यूज नहीं होगा। और तीन और वर्ड्स हैं जिसके पहले कभी भी दी का यूज नहीं होगा। हॉस्पिटल के पहले द का यूज कभी नहीं होता है, गॉड के पहले नहीं होता है, और स्कूल से पहले भी कभी भी द का यूज नहीं होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि जितना भी मैंने आपको आर्टिकल्स के बारे में बताया, इनके यूज के बारे में और कहाँ पर आर्टिकल्स दी का यूज नहीं होगा, कहाँ पर होगा, वो आपकी समझ में आया होगा। और एक छोटी सी मेरी मुहिम थी कि मैं और अच्छे से आपको आर्टिकल के बारे में बता सकूं। तो अंत में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।